और बैरिस्टर फरोग मसीम ने चार दिन बाद दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर ममलुकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फरोग नसीम से हल्फ लिया। फरोग नसीम चार रोज बाद वफाकी काबीना में दोबारा शामिल हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजत में तौसी केस की पैरवी करने के लिए 26 नवंबर को वफाकी वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 27 नवंबर को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजत में तौसी केस का फैसला आने के बाद गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर फरोग नसीम को दोबारा वफाकी वजीर कानून बनाने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में उन्होंने हलफ उठाया कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ्फुज़ करूंगा गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध की एक निशस्त खाली हो गई थी, जिस पर यासीन आजाद एडवोकेट का तकरूर कर दिया गया।